अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सॉल्यूशंस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो ट्रीटमेंट या जो प्रोसीजर आपके लिए मुनासिब है। अक्सर ऐसा होता है, मैंने इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इस ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सुना है, मैंने ये ट्रीटमेंट कराना है। अच्छा, आपने ये ट्रीटमेंट कराना है ये तो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन आपकी स्किन को क्या चाहिए या आपके बालों को क्या चाहिए, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये देख लें, ये असेस कर लें या ये जान लें कि आपको चाहिए क्या, आपकी स्किन को क्या चाहिए। जो आपकी स्किन को चाहिए होगा, जो उसके लिए मुनासिब है, वो हम करेंगे या वो प्रोसीजर हम उसको देंगे तो वो अच्छी होगी। हमारी वजह से नहीं अच्छी हो सकती कि हमने सोच लिया है। जैसे होता है ना, हम जाते हैं मार्केट में और हमें लगता है कि ये वाला जो फेस वॉश है इसका कलर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, या ये नया आया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, या उसने यूज़ किया था तो मैं भी ख़रीद लेती हूँ और मैं भी यूज़ करती हूँ। इट्स नॉट राइट। आपने ये देखना है कि आपकी स्किन या आपके बालों को क्या चाहिए। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम वो काम करेंगे या एप्रोप्रिएट प्रोसीजर करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी होगी। ठीक है, मेरा जो मकसद था इस वीडियो को करने का वो इतना ही है कि आप लोग ये मत सोचें कि आप कोई सा भी ट्रीटमेंट अपनी ख्वाहिश से कराएंगे तो आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो आपने इमेजिन कर लिया है या सोच लिया है। इस तरह से नहीं हो सकता। हम आपकी स्किन को असेस करके और जो आपकी स्किन को ज़रूरत है जिस प्रोसीजर की या जिस चीज़ की, वो उसके ऊपर करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ वो रिज़ल्ट नहीं आ सकेगा जो शायद आपने सोचा है कि ये कराने से मुझे ये रिज़ल्ट मिल सकता है या ये चीज़ मुझे मिल सकती है। आई होप सो कि आपकी ये वाली एक कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी कि आप कभी भी सुनने के बाद या डिफरेंट जगह पे देखने के बाद ये डिसाइड मत करें कि मैंने ये प्रोसीजर कराना है। आपको ये चाहिए कि आप अपनी स्किन की असेसमेंट होने दें और आपकी स्किन को जिस चीज़ की ज़रूरत है या जिस प्रोसीजर की ज़रूरत है वो उसके ऊपर होना चाहिए, वो नहीं जो हमें सुनने में अच्छा लग रहा है या देखने में दूसरे के ऊपर अच्छा लग रहा था। आपकी स्किन आपकी है, आपके बाल आपके हैं, जो उसको चाहिए हमें वो देना पड़ेगा तो वो अच्छी होगी। रमज़ान के हवाले से तो मैंने पहले भी काफ़ी सारे टिप्स जो हैं वो स्टार्ट में ही आपको दे दिए थे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ईद की तरफ जाने वाले हैं तो हम ईद की बात करेंगे कि ईद से पहले जो है वो आपने अपनी स्किन के लिए क्या करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बना लेते हैं लेकिन हमारी स्किन जो है वो बहुत थकी हुई, बहुत विदर्ड और स्लीपलेसनेस की वजह से कि कम सोना है या फिर आप जागते रहते हैं ज़्यादा, या उसकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही है, या फिर पानी कम रहने की वजह से वो ड्राई लग रही है और वो फिर हमें अच्छी नहीं लगती। इसमें आप जो 1000 वॉट्स ग्लो मीज़ो है वो ले सकते हैं। दैट इज़ वन प्रोसीजर जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी लेके आएगा और आपका कॉम्प्लेक्शन जो है उसको भी ब्राइटर करेगा। कोई भी इसे करा सकता है, कोई लड़का लड़की किसी भी एज ग्रुप का कोई भी बंदा जो है वो ये वाला ट्रीटमेंट करा सकता है। इसका कोई इशू नहीं है और कोई इसका डाउन टाइम नहीं है। हाँ, ये नहीं होगा कि मैं आपको ये कह दूं कि आपने अभी कराया है तो आप घर जाते ही जो है वो चीज़ें फ्राई करना शुरू कर दें। मतलब उसमें कोई 3 आवर्स का टाइम हम रखते हैं कि आप किचन में या स्टीम वाला काम जो है वो ना करें या एक्सरसाइज ना करें। तो 1000 वॉट्स ग्लो थेरेपी जो है वो ऐसे ही टाइम के लिए है जिसमें आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है और बहुत जल्दी जो है वो आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है नॉर्मल है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि क्या कहते हैं, कम सोने की वजह से या न्यूट्रिशन कम होने की वजह से या पानी कम होने की वजह से वो आपको डल लग रही है, उसको सही करने के लिए ये बहुत अच्छी है। एक ही सेशन करना होता है, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, इसमें कोई पेन नहीं होती है, इट्स ए पेन फ्री एंड क्या कहते हैं, वेरी कम्फर्टेबल प्रोसीजर। तो ये आप जो है वो ईद से पहले ऑप्ट कर सकते हैं, आदमी औरतें कोई भी इसको ऑप्ट कर सकता है। तो होपफुली आज आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है वो आप तक ज़रूर पहुँच गई होगी कि हमने वो ट्रीटमेंट कराना होता है जो कि आपकी स्किन या आपके बालों को रिक्वायर्ड है, वो नहीं जो हमें सुनने में या देखने में अच्छा लग रहा है।